فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ देखो हर राहत अल्लाह ने जन्नत में रख दी है, हर मजा, हर मजा। लेकिन याद रखना यार, उसकी याद में रोने का मजा जन्नत में नहीं पाओगे। आप करोड़ों साल जिंदा रहोगे, एक आंसू बहाना चाहोगे नहीं निकलेगा, एक आंसू नहीं निकल सकेगा। यहां तन्हाई में उसके लिए तड़पने और रोने का जो मजा है ना, वो औरत में है, ना शराब में है, ना तख्त में है, ना तख्त में है, ना मुल्क में है, ना माल में है। उसके लिए रोना, ओए होए होए होए, उसके लिए जज्बे कुर्बान कर, अपने जज्बात पे छुरी चलाना। इमाम अहमद बिन हंबल बहुत मशक्कत गुजार के दुनिया से गए, एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे, और वक्त के बादशाह ने बहुत उनको पिटवाया, उनके खून और खून हो गए। इंतकाल के बाद जो अल्लाह, जब इंतकाल के बाद एक दोस्त को ख्वाब में मिले तो उन्होंने पूछा कि हजरत आपके साथ क्या हुआ? कि अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा किया और कहा, अहमद तुमने वो कूड़े किसके लिए खाए थे? कहे, अल्लाह मैंने तेरे लिए खाए। सुभान अल्लाह, ये लज्जत जन्नत में नहीं मिलेगी। जवानी की लज्जत पाओगे, मियां बीवी की लज्जत पाओगे, खाने पीने की लज्जत पाओगे, जिंदगी की लज्जत पाओगे, खुशियों की लज्जत पाओगे, लेकिन उसके लिए रोने तड़पने की लज्जत नहीं पाओगे। अल्लाह मैंने तेरे लिए की। तो इस पर फरमाने लगे मेरे अल्लाह ने कहा कि अहमद, हां हां हम जानते हैं तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया। जन्नत वाले तो मरने के बाद मेरा दीदार करेंगे, मैं तुम्हें अभी से अपने चेहरे से पर्दा हटा के दिखा दूं, चल मेरा दीदार करता रहे, क्या मतलब? उसके लिए पीछे हट, उसके लिए माफ। जो मैंने एक शुरू में बात की थी कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, वहां से मैंने बात उठाई। हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए है, अल्लाह के। अब अल्लाह के लिए, जब अल्लाह, मेरा जॉब वाले डिमांड करते हैं आप घड़ी एक घंटा आगे कर लें, अब एक घंटा पीछे कर लें, अब यहां आप जा रहे हैं, अब यहां चले जाएं, आपका ट्रांसफर उधर हो गया, इससे वहां हो गया, आप चुप करके जाते हैं और उसको बर्दाश्त करते हैं, फेस करते हैं, जो कि प्रॉफिट आ रहा है, कुछ नफे आ रहे हैं। मैं इस जिंदगी में अपने अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरी मंजिल अल्लाह है, मेरे जज्बे नहीं, मेरी ख्वाहिशात नहीं। जैसे ख्वाहिश पूरी करने की लज्जत है, अल्लाह के लिए ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज्जत पर करोड़ों लज्जतें कुर्बान की जा सकती, जैसे अपनी मन की मुराद पा लेने की लज्जत, अपनी मुरादों को अल्लाह के लिए खो देने की लज्जत उससे करोड़ों गुना ज्यादा। ये लज्जत आपको जन्नत में नहीं मिलेगी। रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोना, जरूरतमंदों की जाके मदद करना, अल्लाह के लिए जलील हो जाना, आहा, अल्लाह के लिए छोटा पड़ जाना, अल्लाह के लिए माफ कर देना, ये जन्नत में कहां मिलेगा? जो कि हम अपने लिए जीते हैं, ना हमें खर्च करने का सलीका है, ना माफ करने का सलीका। अपने लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है, जीना है तो उसके लिए जियो जिसने जीना दिया है, मरना है तो उसके लिए मरो जिसने मरने का इख्तियार अपने हाथ में रखा। अपने शौक बदलो, ये एंटरटेनमेंट जन्नत में नहीं मिलेगी। अल्लाह के लिए आदमी तड़प रहा हो, अल्लाह के लिए,